नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। थोड़ी देर में बिहार के गया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की दो रैलियां हैं। नीतीश कुमार पीएम के साथ आज दोबारा सरकार बनने के बाद पहली बार मंच साझा करेंगे। औरंगाबाद में ये जनसभा होने जा रही है, बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी की ये तमाम रैलियां आज होने जा रही है। अब देखना यह है कि आज बिहार की जनता को, देश की जनता को, इस गठबंधन के ऊपर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, एनडीए को लेकर क्या मैसेज, क्या बयानबाजी यहां से सामने जाती है। बिहार में थोड़े दिन पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब जेडीयू और बीजेपी ने एक बार फिर मिलकर एनडीए की सरकार बनाई थी। इस सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर है। औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सबसे बड़े सूत्रधार थे। प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से देखें तो प्रधानमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो एक साथ मंच साझा करने जा रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा का। अमिताभ, जरा बताएं कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक तरह से इसे चुनावी रैली भी कहा जा सकता है। चुनावी रैली भी कह सकते हैं और अभी तो सिर्फ 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद के इस मैदान में पहुंचने वाले हैं। तो देख सकते हैं जो भीड़ है वो यहाँ पे, जो तीन बड़े बड़े जो पंडाल थे बिल्कुल यहाँ पे वो भर चुके हैं और लोगों को यहाँ पे करीब 11 बजे दिन से एंट्री थी और वहीं से उस समय से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं का अलग पंडाल बना हुआ है, पुरुषों का अलग पंडाल बना हुआ है और यहाँ पे आप देखिए जो करीब 20 मिनट बताया जा रहा है कि गया आएंगे और गया के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ आगवानी करेंगे और वहाँ से वो चार्टर से फिर औरंगाबाद पहुँचेंगे और यहाँ की सभा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ ही बेगूसराय भी जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये बिल्कुल एनएच के किनारे का जो मैदान है, उस ग्राउंड है, उसे चुना गया है और यहाँ से भी कई घोषणाएं और कई शिलान्यास यहाँ से करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि औरंगाबाद का ही सभा क्यों, क्योंकि पहले उनकी बेतिया में सभा होनी थी लेकिन औरंगाबाद किया गया। इसी औरंगाबाद से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वितीय चरण की जो शुरुआत थी इसी औरंगाबाद से की थी, औरंगाबाद से लेकर मोहनिया बॉर्डर तक, जो यूपी बॉर्डर तक है। और ये वो इलाका है जहाँ लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सफलता मिलती रही है लेकिन विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव के बाद जो हुए थे वहाँ उन्हें करारी शिकस्त मिली थी यहाँ पे महागठबंधन के द्वारा। तो ये वो इलाका था जिसपे खास फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ अब नीतीश कुमार भी है। देखिए यहाँ से करीब 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिसको साधने की कोशिश करेंगे, जो मगध, शाहाबाद और भोजपुर का जो इलाका है ये वो इलाका है जहाँ महागठबंधन की पैठ मानी जाती थी और वहाँ पे राहुल गांधी भी जब आए थे तो इसी यहाँ से शुरुआत किया था। और आज नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ आ रहे हैं तो औरंगाबाद से ही उन्होंने 2024 का जो, लेकिन अमिताभ मेरा जो इंटरेस्ट है इस जनसभा में वो सबसे ज्यादा ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की कैसे तारीफ करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी आज नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे, क्या नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उसके ऊपर वोट मांगेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, मैसेज क्या जाएगा? देखिए हम चाहेंगे कि पहले आपको हम दिखाएं जो स्क्रीन जो लगा हुआ है मुख्य मंच के बाहर, एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नीतीश कुमार देखिए अपने जो 7 निश्चय हैं, अपनी यूएसपी है, वो निश्चित तौर पे उसकी बगान तो करेंगे लेकिन आज के दौर में जब वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करेंगे तो डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है। और देखिए सिर्फ 17 महीने की बात ही, इससे पहले जब 20 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी और बिहार के जो हाजीपुर में था वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वैशाली में हुआ था, वहाँ पे दोनों साथ में थे। तो एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी करीब 20 महीनों के बाद एक साथ मंच नजर आ रहे हैं। 20 महीने में 17 महीने का समय था वो नीतीश कुमार गए थे आरजेडी के साथ, यानी महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद फिर से लौटे। तो ये जो वक्त जो गुजरा, ठीक है ठीक है ठीक है।